आज की क्लास में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10th। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 8। इन ए फिगर 9.2.12 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कंटैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है, ये इसकी फिगर है, इसकी दो ये पैरेलल लाइन्स हैं। तो ये पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर एक बनता है, यहाँ पर दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट बी। यहाँ से एक टेंजेंट पी ए है, दूसरा है ए सी। तो इधर से बी सी एक टेंजेंट और यहाँ से बी क्यू दूसरा टेंजेंट बनता है। तो हमें बताना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ओ सी इसने यहाँ से जोड़ा है इस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट तक। तो ये हमें प्रूव करना है कि ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये इसकी फिगर है, ये पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से ये टेंजेंट एक, ए पी ए बी टेंजेंट एक और ए सी बी दूसरा टेंजेंट, बी सी बी टेंजेंट और बी क्यू बी टेंजेंट। ये मैंने हाथ से बनाया, आप इसको अच्छी तरह से स्केल और कंपास इस्तेमाल करके अच्छी तरह से इस फिगर को बनाना। तो मैं इसको अब सॉल्यूशन करता हूँ। पहले हम थोड़ा सा लिख के रखेंगे टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल हमें बताना है कि ए ओ बी 90 डिग्री के बराबर। तो अब आप गौर से देख लीजिए इस सर्कल की तरफ, गौर से देख लो। पी ए टेंजेंट है, ए सी बी टेंजेंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू ए सी। मैं यहाँ पर लिखूँगा हियर पी ए इज इक्वल टू ए सी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये दो टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से, ए से एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की तरफ जो टेंजेंट्स आते हैं वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। और देख लीजिए आप, आल्सो बी सी इज इक्वल टू क्यू बी, बी सी इज इक्वल टू क्यू बी। ये दो भी एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट से बी से आ रहे हैं। और मैं एक लाइन लिखूंगा अब, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू। ये तीनों आपस में इक्वल है, क्यों कि ये तीनों लाइन्स इसमें रेडिया है, रेडियस, ये भी रेडियस, ओ सी भी रेडियस, ओ पी भी रेडियस एंड ओ क्यू भी रेडियस। मैं यहाँ लिखूँगा रेडिया, रेडिया सर्कल। नाउ ये यहाँ तक जो मैंने लिखा, तो इसको समझने के बाद अब हम इसका और एक स्टेप उठाएंगे और आगे चलते हैं। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। गौर से देख लीजिए आप, ये एंगल यहाँ पर 90 होगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो ये एंगल आप गौर से देख लीजिए, ये एंगल
यहाँ पर भी 90 होगा, तो 90 क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस टेंजेंट का, ये ऐसे टेंज रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बैंड हुआ। आप इसको अच्छी तरह से टेंजेंट डालना इस तरह से, ये भी 90, ये भी 90, और ओ ए इन दो ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी ए एंगल, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ऑल्सो इन ट्रायंगल ओ सी ए, ओ सी ए एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल सी 90 डिग्री, क्योंकि ये भी इसका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बन रहा है यहाँ पर ऐसे। एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये ओ ए इन दो ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो ये दो एंगल, ये दो एंगल्स भी सेम, ये कॉमन साइड भी है, ए सी ए पी के बराबर है। इट मीन्स ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। इट मीन्स ट्रायंगल ओ पी ए इज सिमिलर एंड कंग्रेंट टू ट्रायंगल ओ सी ए। जब दो ट्रायंगल्स के साइड आपस में बराबर हो, पी ए इज इक्वल टू ए सी, ए सी इस ट्रायंगल का ओ ए सी का साइड है, और पी ए इस ट्रायंगल का ओ पी ए का साइड है, इस ट्रायंगल का साइड इस ट्रायंगल के बराबर, ये ओ ए इस ट्रायंगल का भी साइड है, इस ट्रायंगल का भी साइड है, ये भी इसमें बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ओ ए ये दोनों ट्रायंगलों का साइड है, ये भी बराबर है। ये एंगल पी, ये एंगल सी के बराबर, ये 90 है, तो ये एंगल भी बराबर है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो लाइन है ओ सी, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल ऑटोमेटिकली इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन जो है ये इनको यहाँ पर इस एंगल को बराबर बाइसेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स जिस, जब दो ट्रायंगल्स के साइड्स आपस में बराबर हो और एंगल्स भी बराबर होने जा रहे हैं, तो हम उन दो ट्रायंगल्स को कहते हैं ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर भी और कॉन्ग्रेंट भी है। तो मैंने लिखा ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर भी है और कॉन्ग्रेंट भी है। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर भी है और कॉन्ग्रेंट भी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी ए सी, पी ए सी, पी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ओ एंगल ट्वाइस ओ ए सी, ट्वाइस ओ ए सी। इट मीन्स ये पी ए सी जो एंगल है ये ट्वाइस होगा, यानी दुगना इसके बराबर, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, यहाँ पर इसका बाइसेक्टर बन रहा है, कॉन्ग्रेंट भी। तो सिमिलरली एंगल, एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ बी सी। इट मीन्स ये जो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये एंगल बी बी होगा बराबर ओ बी सी, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है, ये भी इसका यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है सेम। इसी तरह से इट मीन्स ये दो भी इस तरह से बराबर होंगे, तो ये एंगल भी इसका, ये लाइन भी इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो हम बता सकते हैं ये ओ बी सी ट्वाइस है, ओ क्यू का ट्वाइस ओ बी सी, यानी दुगुना है इसका, दुगुना क्यू बी सी के बराबर। तो नाउ
नाउ आप गौर से देख लीजिए, नाउ एंगल एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बी एंगल और ये एंगल ए, ये इन दो एंगल्स का टोटल ऐड होगा 180। आप बताओगे कैसे? मैं बताऊंगा, क्योंकि ये पी ए बी क्यू फोर साइडेड फिगर है, इट मीन्स फोर साइडेड फिगर का ऐड होता है बराबर 360। मगर इसमें हम देख रहे हैं ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इट मीन्स जब ये भी 90, ये भी 90, ये दो एंगल्स इस फोर साइडेड फिगर में 180 के बराबर हैं, तो इट मीन्स ये टोटल ऐड इसका 360 के बराबर। जब 360 में से 180 निकालेंगे, इट मीन्स इन दो एंगल्स का 180 होगा। वही मैंने लिखा, उन दो एंगल्स का 180 होगा। तो क्यों बी सी मैंने लिखा, ये ट्वाइस ओ बी सी के बराबर है, ट्वाइस ओ बी सी। पी ए सी ये ट्वाइस ओ ए सी के बराबर, मैं लिखूँगा ट्वाइस ओ ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई टू। इस टू को कॉमन निकाल के मैंने डिवाइड किया, एक स्टेप काम की, तो इसको जब हम कट करेंगे ये बनेगा एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर जब इसको ये बनेगा 90 डिग्री, ये हमें ज़रूरत है इसमें। तो ये निकालने के लिए मैंने इतना कुछ लिखना पड़ा, ये पूरा मैंने लिखा एक्चुअली ये निकालने के लिए। ये मुझे अब, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वो मुझे इस ट्रायंगल में प्रूव करना है ए ओ बी, तो मैं अब लिखूंगा यहाँ पर, नाउ यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये थ्री साइडेड फिगर, इट मीन्स एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीन साइड्स, तीन एंगल्स का ऐड होता है बराबर 180। तो एंगल ओ मुझे पता नहीं है एंगल ओ किसके बराबर है, एंगल ए मेरे पास ये है एंगल ए, ये दिस इज एंगल ए, यहाँ पर ए बीच में है, यही एंगल है, या ओ ए सी लिखो या एंगल ए लिखो। तो एंगल ए यहाँ पर प्लस एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल बी, तो इन दो का ऐड मेरे पास है 90। एंगल ए प्लस एंगल बी, या मैं लिखूँगा एंगल ओ ए सी ओ बी सी, इस तरह से आपको समझ आएगा इस ट्रायंगल में ओ ए सी ओ बी, यहाँ पर लिखूँगा मैं बी ओ ए, तो यही हमको प्रूव करना है ए ओ बी, या ए ओ बी लिखूँगा मैं ए ओ बी, आपको समझ आने के लिए ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी ये ओ ए सी प्लस ओ बी सी, ये यहाँ पर मैंने निकाला है 90 के बराबर है, तो एंगल ये दो एंगल्स का ऐड 90 है, तो मैं लिखूँगा ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे यहाँ 90 बचेगा, इट मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, यहाँ तक आप इसने इसको अच्छी तरह से याद रखना है, इसके बाद पूरी ये कैलकुलेशन ईजी, ये आपको ज़बानी याद रहेगी और ईजीली समझ आएगी ये है क्या। सिर्फ इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप अच्छी तरह से याद रखना, मैंने पहले क्या लिखना है, ये जो मैंने लिखा है ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो,
इसी तरह से आपने इसको याद नहीं कर, जैसे मैंने लिखा बस आप उसी तरह से लिखोगे, ज़रूरी नहीं है। आप इसको अपने ये यहाँ पर, यहाँ से जो मैंने लिखा ये पूरा आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर जो ये मैंने लिखा ये सब कुछ इसमें है, ये कहीं से आपने नहीं लाना है, इसी में सब कुछ है। ये पी ए लिखा मैंने, एक्सटर्नल पॉइंट दिखाया मैंने, कंटेक्ट पॉइंट दिखाया, ये सब कुछ इसी में है, इसी में देख के यहाँ पर लिखना है। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, तो यहाँ तक लिखा मैंने, तो फिर ये इसके बाद ये इजी है, यहाँ से ये पूरा पोर्शन ईजी यहाँ तक याद करना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो अच्छी तरह से आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए, तो आपको इजीली एग्ज़ाम में ये समझ आएगा।